नूह के उपायुक्त अजय कुमार ने कल लघु सचिवालय में 7 देशों में तैनात भारतीय राजदूतों के साथ आकांक्षी जिला कार्यक्रम संबंधी कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद राजदूतों के प्रतिनिधिमंडल ने जिले के आंगनवाड़ी केंद्र और राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा कर सुविधाओं का जायजा लिया। बैठक में उपायुक्त ने राजदूतों को बताया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन आदि में बड़े पैमाने पर सुधार कर लोगों को इनका लाभ देना है। उन्होंने विजिट की एंड इस प्रोग्राम के बारे में पूरा जानकारी ली एंड जो भी हमारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं गवर्नमेंट रही हैं उसको रिव्यू किया एंड उसके बारे में अपने सुझाव और जो भी गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से और बेटर इसमें वर्किंग हो सकती है और जो जिन कंट्रीज़ में हमारे ऑनरेबल एम्बेसडर्स पोस्टेड हैं उन वहाँ के इनसाइट्स भी उन्होंने शेयर किए। सो इसके पश्चात एक आंगनवाड़ी सेंटर खेड़ला विलेज का और एक हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेवली में जो है वो भी विजिट किया। उपायुक्त ने कहा कि नूह जिला लगातार आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में सुधार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिलावासियों की जागरूकता व प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत से नूह देश भर में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में ऊपरी स्थान पर है, जिसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पैरामीटर्स उसमें रिव्यू होते हैं एंड इन्हीं सारे पैरामीटर्स पे ही सारा जो चर्चा है वो आज हुई है।